Hello, everybody. Welcome to Open Talk Insta Live, and this is Salih Ahmed, your host and your friend. तो कैसे चल रहा है सब कुछ? उम्मीद है कि आप लोग यू आर स्टेइंग एट होम एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग. हर वक्त की तरह इस दफ़ा भी हम आपको यंग और जो बहुत डायनेमिक किस्म के जो लोग हैं उनसे हम मिलवाते हैं. तो आज मैं आपको एक ऐसे मॉडल एक्टर से मिलवा रहा हूँ जो कि बहुत यंग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और उनसे इंडस्ट्री को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं. तो हमारे साथ जो है आज ज्वाइन करेंगे तकी अहमद, और तकी जो हैं वो आ गए हैं ऑनलाइन. हम इनको जल्दी से इन्वाइट कर देते हैं. तकी आ गए. उसके अलावा हमें सबीरा शफीक देख रही हैं और साथ में स्टेफनी थी साथ में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आप बड़े हैरान दिख रहे हैं, क्या हुआ है? हाउ इज एवरीथिंग? गुड, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन. आप बताएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड. और कैसा गुजर रहा वक्त आजकल? आपका आवाज का थोड़ा सा इशू है, क्या करूं उसके अच्छा. लिए मैं. आप डिस्टॉर्ट हो रही है आवाज, ये क्या हो रहा है? मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ उसे. अब बेहतर हुई आवाज? अब ठीक है, अब ठीक. जैसे सब क्वारंटाइन में बैठे हुए, लॉकडाउन हुए हुए हैं, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है. ओके, वैसे ही मेरा भी चल रहा है. वेरी नाइस, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. हम सबको इस वक्त यही करने की जरूरत है. तो तकी, अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे ये सब सिलसिला शुरू हुआ. आप शायद फ्रीज हो गए हैं. हाँ जी, हेलो, कैन यू हियर मी? जी, आई थिंक वी आर बैक. थोड़ी देर के लिए, या थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गए थे. तो चले, कोई बात नहीं यार. आज पता क्या हो रहा है, इस वक्त सब लोग घरों पे हैं, पूरी दुनिया में लोग, तो इंटरनेट पे भी बहुत लोड है और साथ में जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे भी बहुत लोड है. हर बंदा फेसबुक पे और यूट्यूब पे और इंस्टा के ऊपर मौजूद है. यूट्यूब ने इनफैक्ट अपनी क्वालिटी गिरा दी है ताकि सब लोग जो है वो उसको एंजॉय कर सकें. यस, दैट मेक्स सो मच सेंस. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, थोड़ा ये बताइए तकी अपने बारे में कि कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ. काफी साल पहले एक कॉन्टेस्ट हुआ था फेस ऑफ द ईयर, तो उस कॉन्टेस्ट में मैंने अपनी उसके एड चलते थे टीवी पे, उसमें मैंने अपनी फोटोग्राफ भेज दी थी. वहां से मुझे कॉल आ गई, एक रैम्प शो था, कुछ एक कॉन्टेस्ट था. अगर मैं याद करूं तो उसमें जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी अब फील्ड में नहीं है, मतलब कोई भी फील्ड में आया ही नहीं. मैं लेकिन लगा रहा स्टेप बाय स्टेप लोगों से मिलते रहे. मॉडलिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद ड्रामा स्टार्ट हुआ और फिर फिल्म. ओके, माशाल्लाह. तो ड्रामे आपने अब तक घर के अलावा कौन कौन से किए हैं? किसके अलावा? मैं कह रहा हूँ घर के अलावा और कहाँ कहाँ ड्रामे किए हैं, कौन से ड्रामे, तो नाम बताए. एक तो ड्रामा बेगम के साथ तो करना जरूरी होता है, वो तो रोज ही होता है, उसके बाद गुजारा नहीं है. ड्रामे के बगैर फिर चीजें हैंडल होती नहीं है, फिर चीजें संभलती नहीं है, तो वो ड्रामा तो मस्त है, वो तो रोज चल रहा है. आदमी की शरीफ होते हैं, उसके बगैर गुजारा है नहीं हमारा. बगैर गुजारा ही नहीं है. इसके अलावा काफी सारे ड्रामे किए हैं, एटीवी, जियो, ईटीवी, हम टीवी, हर चैनल से प्लेस किए हैं, काफी सारे ऑन एयर हो चुके हैं. जो मेरा सबसे ज्यादा रजिस्टर हुआ था, सबसे ज्यादा लोगों ने देखा था, वो 2013 का पीटीवी का नंबर वन प्ले था, वो था सांवरी. क्या नाम था? सांवरी नाम था उसका, सांवरी. वो उसकी सारी शूट जो है वो बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज में हुई थी, बहावलपुर में हुई थी, मुल्तान में हुई थी. वो ड्रामा बहुत जबरदस्त था, वो नदीम आशिम साहब का लिखा हुआ था. अच्छा. और जावेद शाह उसके डायरेक्टर थे. वो ड्रामा एक्चुअली यहाँ पे शहरों में इतना ज्यादा नहीं देखा गया क्योंकि वो पीटीवी का ड्रामा था, लेकिन जो जितने गांव वगैरह हैं और जितने सारे उसके अलावा के एरिया हैं वहाँ बहुत उसको पसंद किया गया. अच्छा, जबरदस्त है. आपने फिल्मों में भी काम किया, तो अभी आपकी जो लास्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी उसका नाम क्या था? मेरी फिल्म तेवर रिलीज हुई थी, तो दो हफ्ते सिनेमा में लगी रही और 2 हफ्ते के बाद उतर गई.
उसके तेवर बदल गए हैं, उसके तेवर बदल गए। मेरा ख्याल है कि अभी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है स्पेशली, वो अभी आर्ट सिनेमा के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आर्ट सिनेमा बहुत अच्छी फॉर्म में आपको टीवी पे देखने को मिल जाता है। जो आपका अब टीवी है वो हमारी हमारी जो ऑडियंस है वो किसी भी सिनेमा के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कंपेयर करने लगते हैं अपने हॉलीवुड से, बॉलीवुड से। हमारे यहाँ इतना ज्यादा उसको उसका रिटर्न नहीं है, तो फिर प्रोड्यूसर इतना पैसा लगाता नहीं है और इतनी बड़ी चीज बन नहीं पाती है, तो ये बस प्रॉब्लम चल रही है। अब एक बड़ी फिल्म बनी थी मौला जट, तो वो पिछले 3 साल पहले उसका ट्रेलर आया था, वो अभी तक रिलीज नहीं हो पाई वो नहीं हो और पाई बन फिर। तो पता नहीं कितने सालों से रही है। सो ट्रू, ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप अभी किसी क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? आप कोई ड्रामा कर रहे हैं इस वक्त या फिल्म कर रहे हैं? इस वक्त जो ऑन एयर प्रोजेक्ट है वो है लाल माई, आज टीवी से ऑन एयर है, हॉरर ड्रामा सीरियल है। पिछोड़ा अच्छा, गुड। और आप? कोर्ट में और साथ में हुई, तो फिर नाइस मैं, नाइस, सना फखर हैं, फिरा सोमरो हैं, सलीम मिराज हैं, दैट्स अ गुड और बड़ी कास्ट, थी। अच्छी कास्ट है। और बस वो उसकी शूट अभी होनी थी कि ये कोरोना कोरोना शुरू हो गया, तो कोरोना का अभी रोना देखें। शुरू हाँ, हो कोरोना कोरोना शुरू हो गया, अभी देखें ये कब शुरू होती है। गया इसके अलावा इंशाल्लाह। मैं मूवी कर रहा था बलूचिस्तान में, उसकी शूट चल रही थी, 80% वो भी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फिर अच्छा, ये। सही है। नहीं, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा वक्त, और ये हालात ठीक हो जाएंगे दोबारा। और तो ये गुजरता उस हुआ फिल्म लकीरा काफी के सुनने बारे में आ रहा है, काफी लंबा चलेगा, लेकिन देखें क्या होता है। में, यार ये इसको खत्म होने में ना वक्त लगेगा, परफेक्ट, क्योंकि जितनी भी अब दुनिया में आप हिस्ट्री देखोगे ना, जैसे प्लेग होता था पहले वो एक जमाने में, और दीगर चीजें, पोलियो था और बड़ी बड़ी चीजें थी, तो वो सबको भी खत्म करने के लिए, उसको बिल्कुल मिटाने के लिए उसमें टाइम लगता है। लेकिन आई होप कि लाइफ पेंडेमिक नॉर्मल हो जाए सिचुएशन लास्ट जल्दी। टाइम ये हमारी 1920 में हुई थी, जी 1920 में हुई थी ये, तो उसमें भी लाखों लोग मर गए थे, और वो मेरे ख्याल 1 साल के अंदर वो कवर कर गई थी। उसकी वैक्सीन नहीं बनी, हुआ ये था कि 1 साल के अंदर लोगों के इम्यून सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और लोग फिर जीना शुरू हो गए थे। तो अभी इसकी बिल्कुल वैक्सीन बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम खुद ही उसको अपने अंदर ले लें, संभाल लें। सही है, खुद पावरफुल हो जाए। और ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेल्फ हीलिंग की जो ताकत अल्लाह ताला ने रखी हुई है आपके अंदर, बॉडी में, माइंड में, हर चीज में, वो दैट रियली हेल्प्स। शकील अरसलान ने हमें ज्वाइन किया है, शकील वचाप। अच्छा, उसके अलावा ये बताइए कि लेट्स गो बैक टू योर फिल्म विच यू वर टॉकिंग अबाउट, तो फिल्म के बारे में बताइए, किस बारे में है वो आपकी जो फिल्म अभी आप शूट करी है अपने? ये बलूचिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन और इन सारी चीज़ों के हवाले से, अच्छा, तो उसके जो कोर मामलात हैं, जो अंदरूनी जो मामलात चल रहे हैं, ये उसके हवाले से बन रही है। काफ़ी सारा एक्शन इन्वॉल्व है इसके अंदर, शमून है इसके अंदर भी, सलीम मेराज हैं इसके अंदर, मदिया जैदी हैं, हुमायूं अशरफ हैं हाँ, और फराज हैं, वहाँ कुछ बलूचिस्तान के रीजनल एक्टर्स हैं जिसमें से पाकिज़ा भी हैं, उसकी अच्छा, कास्ट भी बड़ी जबरदस्त की है। साउंड्स गुड यार। आई होप हो चुकी होती, लेकिन ये बीच में कुछ मिसहैप्स हो गए, तो बस इस वजह से ये रुकी हुई है, लेकिन जल्दी पूरी हो जाएगी और बहुत जल्दी सिनेमाज में आ इंशाल्लाह। जाएगी। तो बलूचिस्तान इज अ ब्यूटीफुल प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, और बहुत ही खूबसूरत वहाँ रॉकी लोकेशंस हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तो आप लोगों ने अच्छा, भी एक्चुअली। मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको। माउंटेन्स जो होती हैं, देखिए जैसे कि हमारे नॉर्दर्न साउथ साइड की माउंटेन्स हैं, ये ग्रीन है, सही है, तो पहाड़ों का जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, रॉकी क्योंकि नहीं है। बिल्कुल ग्रीन है। अब बलूचिस्तान की साइड पे आप आते हैं तो वो सारी रॉकी माउंटेन्स हैं, तो पहाड़ों का ओरिजिनल टेक्सचर है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये एक बहुत अलग किस्म की ब्यूटी है, और अगर आप इस तरफ वहां पे देखेंगे तो कुछ अलग पहाड़ हैं और इस तरफ देखेंगे तो कुछ अलग कलर्स हैं, तो आप, आई एम श्योर, आप बाकी सारे लोग, अगर ये पता नहीं, लोग वहां जाने से थोड़ा सा डरते हैं, हालांकि वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन, वहां की सिक्योरिटी इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि डरने की कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, रोड इतना बेहतरीन है, और अगर आप पंजाब साइड पे हैं तो आप बहुत आराम से केपीके की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर आप कराची में हैं तो फिर आपके लिए जाना बहुत थोड़ा सा करीब मुश्किल होता है। अगर आप हैं या कराची में, तो आप किसी हिल स्टेशन को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली, सीधी नाक की सीध में कहते हैं ना रोड है, तो वो आप पकड़ें और आप वहां पे जाएं और अच्छे मौसम को एंजॉय करें। आप बिल्कुल ये सही मैं कह रहे हैं, समझा। क्योंकि
बिल्कुल। हाँ, बचपन में मैंने काफी ट्रैवल किया है, जियारत जाते थे हम लोग वहां से कराची से। और कोई वजह है ना कि कायदे आजम वहां जाया करते थे, तो कोई वजह होगी कोई जो कायदे वजह होगी आजम ना, वहां खूबसूरत जाया जगह है, करते थे। इट्स अ सही है, ब्यूटीफुल प्लेस। कितनी बेहतरीन जगह होगी वो, कितना बेहतरीन वहां का मौसम होगा, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। नहीं, बड़ी खूबसूरत जगह है। और देखिए वही बात है ना, यहाँ जिस तरह यहाँ कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन वहां पर रॉकी माउंटेन्स हैं। जिस तरह और जगहों पर तो ग्रीनरी दिखती है ना, कि बेसिकली तो हम सोचते हैं कनाडा का मतलब बहुत ही ग्रीन है और बहुत ही लश जंगल है, सारी चीजें हैं। मगर जो ब्रिटिश कोलंबिया है वहां पर रॉकी माउंटेन्स हैं, और दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर। तो पाकिस्तान में बिल्कुल बलोचिस्तान वैसा ही है, रॉकी माउंटेन्स है लेकिन खूबसूरत तरीन है वो बहुत ज्यादा। हमें अलीजा शेख ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा अलीजा, हाउ आर यू? और तो अच्छा, उसके अलावा अभी आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में और क्या चीज चल रही है, क्या काम हो रहा है? अपकमिंग में तो इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन शूट्स चल रही हैं, थी शूट्स चल रही थी, जो अभी 25 एपिसोड्स कंप्लीट होने थे। तो अच्छा, स्ट्रांग इस वक्त अपकमिंग में नहीं था, लेकिन जो चीजें सीधे समझे आप ब्लॉक हो गई हैं। बस ऐसा होती इंतजार है। है किसी तरह से ये खत्म हो और फिर हम शूट पे जाएं दोबारा। नहीं, इंशाल्लाह खत्म होगा। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा हम गेम खेलते हैं, एक छोटा सा। उसमें मैं आपको 3 फेवरेट्स पूछूंगा आपसे। आई डोंट मीन टू पुट यू इन ट्रबल और कोई ऐसी चीज, लेकिन जस्ट फॉर फन, ठीक है ना? लोग जानना चाहेंगे कि आपके तकी अहमद के फेवरेट एक्टर्स, टॉप 3 मेल एक्टर्स कौन से हैं? अच्छा, ओके, सही है, ठीक है। ये सभी मेरे दोस्त हैं, मैं किसका नाम लूंगा? जो आपको पर्सनली पसंद हो। हम देखिए सभी पसंद होते हैं हमें, लेकिन आपकी जो पर्सनल जो है। ठीक है। फेवरेट एक्टर्स, देखिए फेवरेट मेल एक्टर पाकिस्तान, मैं ऐसे एक बात बताऊं, फेवरेट एक्टर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, हमारे फहद मुस्तफा भाई, लेकिन इन ये सब तो पता है सबको कि बहुत अच्छे चल ही रहे थे, लेकिन इस वक्त जो एकदम से, फिर एकदम से इनके बीच में से वो कहता है ना कि जो यूं करके जो एक बंदा निकलता, वो था इमरान इमरान, अशरफ हाँ इमरान, भोला। हाँ, उसने फिर आके उसने कमाल कर दिया, उसने एक्टिंग की डेफिनेशन चेंज कर दी, उसने हीरो की डेफिनेशन चेंज कर दी। तो आई बिलीव के 1, 2, 3 इस वक्त जो है वो मेरी नजर में मेरा ख्याल है इमरान अशरफ है। अच्छा, यू सच अ ह्यूज फैन ऑफ इमरान अशरफ। इमरान अशरफ जो है वो सही मायनों में अंडरडॉग साबित हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से खामोशी से, और लोग समझते थे यार ये तो देखने में भी हीरो नहीं लगता है, कैसा लगा है, लेकिन उसने अपनी एक्टिंग से प्रूव किया, मेहनत से प्रूव एक किया। दो की वीकनेसेस थी, उसने उनको अपनी पावर बनाया और फिर वो आया और जैसे कहते हैं कि आया और छा गया, वो वाला सीन हुआ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ओके, सो इज हमीदा ने हमें ज्वाइन किया है, और स्नैपिंग गोमर भी हमने ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जनाब। तो और 3 आपकी फेवरेट टॉप फीमेल आर्टिस्ट कौन सी हैं? इसको स्किप कर देता हूँ, इसको कर इसको देते हैं, छोड़ ठीक है। चलो, और इसको मुश्किल छोड़। मुश्किल और मुश्किल काम करते हैं कि 3 टॉप फेवरेट आपके डायरेक्टर कौन से हैं? अरे बाप, अरे हाँ, हर इंसान की चॉइस होती है। अच्छा, इंसान की चॉइस होती है फेवरेट डायरेक्टर्स। अच्छा, शकील अरसलान करें, मेरे नीलम 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 अभी नीलम 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 वो मुझे ये इनकी चॉइस है। हाँ, मुझे वैसे नहीं पता उनके नीलम दिल की नीलम, आवाज है, आपके दिल की आवाज है ये? किसकी किसके दिल की आवाज है नीलम नीलम नीलम? बिल्कुल हाँ वैसे नीलम ने अभी जो ड्रामा किया था बिल्कुल, यासिर नवाज के साथ, क्या नाम था उस ड्रामे का, दिया चले, और उस ड्रामे का मैंने आपको लास्ट सीन देखा हुआ है, वो ड्रामा मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन उसका जो एक वो लास्ट सीन था वो, उसको आप रेट कर सकते हैं उसको सीन ऑफ द ईयर में। बिल्कुल क्या कमाल एक्सप्रेशन उसकी परफॉर्मेंस, खाली उसमें डायलॉग भी नहीं थे उस सीन में, लेकिन वहाँ क्या कमाल एक्सप्रेशन और बहुत परफॉर्मेंस थी, बहुत बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। अच्छी। अच्छा, वो कह रहे हैं मरियम नफीस भी नाम लिया उन्होंने ये। हाँ, मैं नहीं जानता इनको, चलिए, मैं शकील नहीं आप जानता। बताओ, ये फिर आप देख लें, ये इन्हीं के दिल की आवाजें हैं सारी। ये सारी इनके दिल से आवाजें निकल रही हैं। इसे यार, ये कौन है? ये फायर भी 3 एक जो है वो फ्लेम भी जल रही है, और बहुत ही हॉट कोई है मरियम नफीस। एनीवेज, हम उनके पास फिर चेक करेंगे उनको। एम अंसारी भी है भाई, चलें ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है इनसाइड जोक शुरू हो गए हैं।
चलो सही है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपके, मैं असल में एक मेल एक्टर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ आजकल, उन्होंने वाकई ये ब्लू माय माइंड। वो है, उनका नाम क्या है, जो अभी आ रहे हैं सबके तुम्हारे में, और उससे पहले चीख में आए थे, बिलाल। बिलाल He's really बहुत good. बेहतरीन, उसने बहुत अच्छी बहुत एक्टिंग की है, और बहुत नेचुरल जाता है, कहीं पे भी उसको आप ओवर एक्टिंग करते हुए नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत नेचुरल है बाय डिफॉल्ट, और हर तरह के, अगर आप चीख को और उसके अभी करंट वाले को आप कंपेयर करो तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों रोल्स के अंदर, एंड ही इज डूइंग हाँ वेरी वेल। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसी मैं इस वजह से मैं ज्यादा इस पे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा होता हूँ पाकिस्तानी ड्रामा को। आई अंडरस्टैंड, या टाइम की वजह से ना, बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसे ही है, और वी अंडरस्टैंड। मेक असल में ओवर मैं कंपनी यू आर ये कि अमेजिंग। मैं चाहता था टीवी से दूर रह सकूं, और फिर मेरा क्योंकि ट्रेवल का बहुत ज्यादा रहता है मेरा, अगर मेरा कुछ 3 दिन का भी मुझे ब्रेक मिलेगा ना, तो मैं फिर निकल जाऊंगा कहीं पहाड़ों पे, कहीं कैंपिंग के पे, मैं कहीं, तो मैं इस किस्म का बंदा हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता टीवी के सामने और घर में, आउटडोर्स मैं जरा पसंद आउटगोइंग है आपको? That's भी very good. किसी रेस्टोरेंट नहीं, पर बल्कि कहीं नेचर नेचर। नेचर नेचर में, और आउटडोर्स आपको नेचर में पसंद है, दैट्स वेरी गुड। हाँ ताकि लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट योर ट्रैवलिंग, जो भी आपके रहे हैं आज तक एडवेंचर्स, तो कौन सी जगह है पाकिस्तान की जो आपको वाकई लगता है कि बहुत खूबसूरत है और उसको जरूर प्रमोट करना चाहिए? अच्छा, मेरे ख्याल से तो देखें, अगर आप खूबसूरती की, वाकई जेन्युइन खूबसूरती की बात करते हैं, तो कश्मीर तो सबको पता है कि कश्मीर से तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी को। कश्मीर मैं गया हुआ हूँ और मतलब उसपे कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप बाकी जगहों का भी नाम लेना चाहें, मैं 2013 में पहली दफा बलूचिस्तान गया था, अच्छा, और मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि एक जिंदगी कम है पूरा बलूचिस्तान एक्सप्लोर करने को। मेरे कोई 50 ट्रिप्स हो चुके हैं ऑलरेडी बलूचिस्तान के, लेकिन अभी तक मैं कहूंगा कि मैं पूरा उसको डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ। बलूचिस्तान में मैं ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे ये मुला चुटोक, आपने नाम सुना होगा, उसकी फोटोज देखी होंगी, वो अब जी लोगों ने जाना शुरू किया, मैं बहुत पहले जा चुका हूँ। उसके आगे लोग नहीं जाते हैं, जिसको कहते हैं छोटा चुटोक। चुटोक का मतलब होता है गिरता हुआ पानी। तो ओके, मुला तहसील, मुला है डिस्ट्रिक्ट, मुला है चुटोक, मतलब कि गिरता हुआ पानी, वो इस तरह से उसका नाम। अच्छा, हाँ, उसके आगे वहां पे फिर आता है कोकाफ, वो एक बहुत खूबसूरत जगह है। वहां पे आपको रॉक क्लाइंबिंग का एक, अगर आपको शौक है तो वो आप कर सकते हैं। वहां पे अब तक की मेरी जिंदगी की सबसे डिफिकल्ट रॉक क्लाइंबिंग रही है, क्योंकि वो था ये कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, वहां पे रॉक क्लाइंबिंग में आपको ग्रिप हाथों की और पैरों की, समझे, आपको नाखूनों की, समझे, बिल्कुल ना एच पे आपको ग्रिप बना के चलना होता है, और वो एक वाटरफॉल, ठीक है, तो वो आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और आपके आंखों पे पानी गिरता जा रहा है। तो वो मेरी अब तक की सबसे डिफिकल्ट रॉक क्लाइंबिंग रही है। लेकिन सो जब आप गुड। वहां पहुंचते हैं तो एक इतना हसीन मंजर होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और आप जगह का नाम औकाफ बता रहे हैं ना? औकाफ, कोकाफ, औकाफ कोकाफ भी वहां तो कहते हैं, छोटा परियां भी होती चुटोक होंगी, कोकाफ में परियां भी होती हैं। परियां मिली नहीं, वो कहते हैं यहाँ पे रात को रुका भी नहीं करो, रुकते भी नहीं लोग, कहते हैं कि यहाँ से परियां आती हैं और ले जाती हैं लोगों को। तो आपको पता है कि उठा जहाँ ऐसी जितनी छोटी छोटी जगह होती हैं, वहां पे मिथ्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट के ले करते हैं। जाए, हाँ दैट मेक सेंस। अच्छा, तो और आपने नॉर्थ में भी काफी ट्रैवल किया, तो नॉर्थ में कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको लगता है कि लोगों को जरूर जाना चाहिए? अच्छा, देखें वैसे तो हर जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा क्राइटेरिया ये रहता है कि मैं किसी एक जगह पे जाऊं। देखिए, अगर आप बालाकोट ही चले जाएं ना सिर्फ, तो वहां पे भी चारों तरफ पे आप इतने सारे पहाड़ हैं, उन पे अगर आप हाइकिंग करना शुरू करें तो हर चीज का एक अपना मजा है, अपना फ्लेवर है। तो जी इससे बेहतर कि वो जो एक ट्रिप होता है ना कि 15 दिन का पाकिस्तान टूर, उस पे आप निकल जाते हैं हर तरफ देखते 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 देखते, तो देखा आपने कुछ नहीं होता, आप बस हर तरफ थक के आ जाते हैं। उससे बेहतर ये बात कि आप किसी एक जगह चले जाएं, वहां पे जाके 5 दिन है, रुके हैं, वहां पे जाके सारी सो चीजें डिस्कवर करें और फिर वापस आ जाए, गुड। यस, दैट्स ट्रू, फिर वापस आ जाएंगे अपने बिल्कुल। पैसे ऐसे कमा बात कर बोलो चलते। मजा नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं आता मजा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के जो जो क्या कह रहे हैं, जो पैकेजेस होते हैं उनमें जाने का कोई फायदा नहीं है। दैट्स ट्रू। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग, जो आपके फैंस हैं बहुत सारे और जो इस वक्त देख भी रहे हैं आपको, उनको आप क्या मशवरा, क्या एडवाइस करना चाहेंगे कोरोना के हवाले से, कि क्या करने की जरूरत है उनको?
देखें, कोरोना का मकसद ये नहीं है कि आप स्टे होम स्टे सेफ। देखिए, स्टे घर पे रहते हुए भी आप अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप घर पे रहते हुए बहुत ज्यादा दूसरों के घरों, दूसरे लोग आपके घरों पे आ रहे हैं, या फिर आप अपने घर में ही ऐसे जूते ला रहे हैं बाहर से, अपने हाथों को वॉश नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, तो आप घर पे रहते हुए भी अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें, कोशिश करें लोगों से दूर रहें। तो ये आप कहीं दूर जाके भी कर सकते हैं, कहीं पहाड़ पे जाके भी कर सकते हैं, तो घर पे रहना इज नॉट द थिंग। तो बहुत आपने अच्छी बात की है, बहुत सही बात की है, क्योंकि लोगों का अब यही हो रहा है कि अपनी फैमिली में उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया सबने, क्योंकि वो एक डेढ़ महीने से घरों में बैठे हुए, वो चलो पेरेंट्स के घर चले जाओ, चलो भाई के घर चले जाओ, और हमारे यहाँ तो आपको पता है कितना एक चीज को खींचा भी बड़ा जोर से जाता है, कोशिश की जाती है कि ये खत्म हो गई ना। चले, सही है, जबरदस्त, बहुत मजा आया था कि आपसे बात करके, गपशप करके, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आप साबित हुए हैं। जितने अच्छे अदाकार हैं या मॉडल हैं, उतनी अच्छे आप जो है एज अ पर्सन भी हैं, और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। आपका ट्रैवलिंग का शौक भी जो है वो बहुत एक्साइटिंग है, और आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगा पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने में, और स्पेशली बलूचिस्तान, जिसने आपने कहा कि बहुत ही वर्जन एक टेरिटोरी है पाकिस्तान के अंदर, जिसका नाम बहुत कम लिया जाता है ट्रैवलिंग के हवाले से। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर ऑफ योर प्रोजेक्ट्स नाउ। और जो लोग हमें देख रहे हैं, तमाम ऑडियंस जो हमें हर जगह देख रहे हैं, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका, पूरे यूएस में और यूके में, उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया में, उन सबको भी हम यही कहेंगे, प्लीज स्टे सेफ। इस वक्त बहुत जरूरी है, जैसे कि उन्होंने कहा कि ना सिर्फ स्टेइंग होम एंड स्टेइंग सेफ इज इम्पॉर्टेंट, बट बल्कि ये भी है कि आप लोगों से मिलना बंद कीजिए और सेल्फ आइसोलेशन में जाइए। बहुत से मैंने लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, और वो दूसरों के बच्चों को अपने घर में आने दे रहे हैं, तो विच इज वेरी वेरी डेंजरस, और ये तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस बच्चे के पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है। अब तो बल्कि जानवरों में भी ये शुरू हो गया है कि जो पैक्स हैं उनके साथ भी आपको केयरफुल करना है, उनको भी आइसोलेट करना है। और यूएस के अंदर जो है वो टाइगर्स हैं और कुछ डॉग्स हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन ऑल देखने के लिए, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, स्पेशली तकी, थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, और फिर इंशाल्लाह बात होती है। ओके सर, टेक केयर, बाय।